वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दिस इज पार्ट फर्स्ट सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि रेशियो होती क्या है, ठीक है, और उसपे किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर एसएससी बैंकिंग एज वेल एज अदर गवर्नमेंट एग्जाम एंड ऑल्सो हेल्पफुल फॉर बीटेक स्टूडेंट, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लेसमेंट पेपर की, ऐसे लाइक कंपनी इंफोसिस, टीसीएस एंड एनी विप्रो कंपनी के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लेसमेंट पेपर की, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही वीडियो हेल्पफुल है। क्योंकि जो एप्टीट्यूड का सेक्शन जो है मैथ रीजनिंग और इंग्लिश, ये टोटली क्या है, सिलेबस कॉमन है, बट क्वेश्चन के लेवल के डिफिकल्टी और इजी वो उस एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये मैं कंप्लीट कर दूंगा बिफोर एसएससी सीजीएल एग्जाम, मतलब एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है 8 अगस्त से 20 अगस्त के बीच होने वाला है, तो उससे पहले 5 मंथ के ड्यूरेशन में मैं ये टोटली सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब आप कर लेते हैं तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि रेशियो क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो आखिर होता क्या है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे अगर ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 5 है, क्वेश्चन कर दिया ए डिवाइडेड बाई बी, क्या हो जाएगा 10 बाई कितना हो जाएगा 5, यानी इसमें डिवाइड कर देंगे 2:1, तो ये क्या कहलाएगा ए इज टू बी, क्या कहलाएगा 2:1। यानी रेशियो किस फॉर्म में हो सकती है, रेशियो इस फॉर्म में भी हो सकती है और रेशियो इस फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि लीनियर फॉर्म में भी हो सकती है रेशियो, ठीक है। लेकिन इससे एक रिजल्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे देखो अगर a इज इक्वल टू दे दिया हो तुम्हारा 10 और b इज इक्वल टू 15, तो हम 15 दिया हो, ठीक है, तो a बाई बी अगर हम करते हैं तो 10 बाई 15 करेंगे, यानी कितना 5 से डिवाइड कर ले, यानी 2:3। यानी क्यों इस फॉर्म में भी रेशियो लिख सकते हैं, बट हमें रेशियो हमेशा लिखेंगे किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में हम लिखेंगे a बाई बी इज इक्वल टू 2:3, यानी a इज टू b इज इक्वल टू 2:3, ठीक है। तो रेशियो हमें पता क्या चला, एक कॉन्सेप्ट क्या बना कि रेशियो हमेशा होगी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कि जब भी हम आंसर निकालेंगे तो इस टर्म में हम निकालेंगे, अगर वो सभी रेशियो डिवाइड हो रही है किसी टर्म से तो उसको हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो रेशियो होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे मान लो कि अगर कोई भी मीटर पर सेकेंड, कोई भी स्पीड हम ले लें 50 मीटर पर सेकेंड, और कोई दूसरा ले लें 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम कहें कि स्पीड को डिवाइड कर दें ए बाई बी कर दें, तो 50 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, ठीक है। तो इससे एक और कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि जो रेशियो जो होती है, रेशियो यूनिटलेस होता है, ठीक है, यूनिटलेस। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो देखो रेशियो हम डिवाइड करेंगे जब भी तो उसका क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। का मतलब क्या कि जैसे मान लो कोई भी यूनिट एक किलोमीटर पर आवर दिया है, एक मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है, मान लो इसकी 10 किलोमीटर पर आवर दिया हो और ये दे दिया हो कि 5 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कि ये ए की स्पीड है और ये कितनी बी की स्पीड है, तो रेशियो ऑफ ए टू बी की स्पीड की बताओ, तो हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते 10 डिवाइडेड 5, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है और ये किधर है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम इस तरह से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, या तो इसको हम चेंज कर ले मीटर पर सेकेंड या इसको चेंज कर ले हम किलोमीटर, मतलब कि रेशियो जो भी होगी वो जो जितनी भी क्वांटिटी होगी उनकी क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे डायरेक्ट इसको सोल्व करके डायरेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए उनकी मिस्टेक हो जाती है, यानी कि जब भी हम डिवाइड करेंगे मीटर पर सेकेंड में डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, या तो इसकी यूनिट हम चेंज करके मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट ये मिला कि रेशियो क्या होती है, फर्स्ट रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, दूसरा रेशियो क्या होती है, यूनिटलेस होता है, ठीक है, और थर्ड क्या होता है कि जो रेशियो की जो
जब भी हम डिवाइड करेंगे उसकी क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये क्या था, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं कि रेशियो किस तरफ से क्वेश्चन समटाइम्स आ जाते हैं एग्जाम में। जैसे देखो, अगर देखो कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ए इज टू बी, ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:5, बी इज टू सी इज इक्वल टू 7:9। तो क्वेश्चन पूछेगा ए इज टू बी इज टू सी फाइंड आउट करो। तो देखो इसके लिए ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स ये है कि हमको इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, 2:5 क्या है, 5। अब दूसरे वाले क्वांटिटी को यहां से स्टार्ट करेंगे, 7:9 क्या हो गया, 9। अब देखो इसकी कैसे हम a इज टू b इज टू c कैसे हम फास्ट फाइंड करेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो लास्ट वाला होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब फर्स्ट क्रॉस कर लो, फिर सेकंड को इस टाइप्स में मल्टीप्लाई करो, थर्ड वाले को क्रॉस कर लो। देखो तो 7:2 कितना हो गया, 14:2, ये दोनों सिंपल सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 35:9:5 कितना हो गया, 45। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। जैसे सेकंड एग्जांपल ले लो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ए इज टू बी कितना दिया हुआ है, 5:14, ठीक है, बी इज टू सी कितना दिया हुआ है, 7:3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज टू बी इज टू सी क्या होगी, ठीक है। तो देखो अब हम सिंपल, अभी हमने पढ़ा था कि ए इसको लिख लें 5:14, इसको लिख लें 7:3। पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35। ये दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 14:17 कितना हो गया, 98, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, कितना हो गया, 72। अब देखो ये क्या ये आंसर हो गया, नहीं, ये क्यों नहीं आंसर, क्योंकि ये जितनी भी ये a इज टू b इज टू c है, ये क्या डिवाइड हो सकती है 7 से, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 5:14:2, देखो 5:14, देखो ये 42 हो जाएगा, ठीक है, 42, तो ये 5:14:6, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब देखो इस टाइप्स में कैसे और हो सकता है, देखो और क्या हो सकता है, देखो देखो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है। अभी तक हमने पढ़ा कि a इज टू b दिया हो, b इज टू c दिया हो, तो पूछा गया हो a इज टू b इज टू c, हो सकता है क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दे कि a इज टू b दिया हो, b इज टू c दिया हो, c इज टू a दिया हो, तो पूछ दिया a c इज टू d दिया हो, तो a इज टू b इज टू c इज टू d। तो उसके लिए हम ट्रिक्स क्या करेंगे, देखो सिंपल सा उस चीज, उसके लिए ट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम कोई ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखो a इज टू b दिया हुआ है 8:15, ठीक है, बी इज टू, देखो 8:15 या ले लो कुछ भी ले लो, ठीक है, बी इज टू सी क्या दिया हुआ है, देखो बी इज टू सी दिया हुआ है तुम्हारा 5:8, सी इज टू डी दिया हुआ है तुम्हारा 4:5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पी इज ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी फाइंड आउट करो। तो देखो हम इसको लिखने का सेम तरीका, 8:15 लिख दिए, फिर जो सेकेंड क्वांटिटी है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, 5:8 लिख दिए, थर्ड क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखेंगे, 4:5 लिख दिए। अब देखो इसकी ट्रिक्स क्या है, देखो ट्रिक्स क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला लिखेंगे, देखो हमें लिखना क्या है, a इज टू b इज टू c इज टू d, देखो फर्स्ट वाले को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8:5 40 40 से ओके 100, देखो कितना हो गया तुम्हारा 160। सेकेंड वाले टर्म को लिखने के लिए देखो लास्ट वाले टर्म को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लास्ट वाले कौन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8:5 40 40 देखो 600, ठीक है। अब रह गया देखो ये वाला टर्म, सेकेंड टर्म b इज टू c कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट वाले को आसानी से क्रॉस क्रॉस कर लिए, देखो अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, अब इसको डायगोनली लेंगे, देखो ये वाला टर्म क्या लेंगे हम, डायगोनली कितना हो जाएगा, 5:4 20 20 यानी कि 20:15 कितना होगा, 300:2। देखो अब जब इसको हम ले लेंगे, इसको भी निगलेक्ट कर देंगे, अब इसको 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 जो डायगोनल लेंगे, देखो इसको लेंगे, तो 15 × 120 120 चौके कितना हो जाएगा, 480। तो देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइड कर लो 10 से 16:30:48:60, पुनः ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8:15:24 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो 30। तो ये तुम्हारा
ये हो गया। इस पे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन दिया हो कि ए इज टू बी कितना है, थ्री इज टू, वन इज टू थ्री, बी इज टू सी कितना, इस तरह से हम लिख लेंगे टू इज टू फाइव, सी इज टू डी को किस फॉर्म में लिखेंगे टू इज टू थ्री। अब देखो हमें ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी फाइंड करना है। देखो बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें। देखो सिंपल क्या है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इज टू वन, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू वन फोर इज टू, लास्ट वाले को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन इंटू थ्री कितना हो गया फोर्टी फाइव। ठीक है, अब देखो ये दो टर्म निकालना है, दो टर्म के लिए इसको कैंसिल कर दो, इन तीनों को डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनली मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू टू सिक्स इंटू टू ट्वेल्व इज टू। देखो अब इसको कैंसिल कर दो, अब इसको डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो जो ये बच गया। ठीक है, देखो कितना हो 15 इंटू टू कितना हो गया 30। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो हो गया ये ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। इस तरह से हम क्वेश्चन को, और इसमें कल मैं बताऊंगा कि इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे हम बाई ऑप्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट मतलब ये कैलकुलेशन, ये शॉर्टकट ट्रिक जाने भी। तो देखो आज क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन देखने से पहले कुछ मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। देखो क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कोई एक्स है, एक्स इज डिवाइडेड बाय ए इज टू बी, मतलब क्या, कोई भी एक्स क्वांटिटी है वो डिवाइड हो रहा है दो दो टर्म में, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा और सेकेंड पार्ट क्या होगा। इसका मैं मेथड, तीन मेथड बताऊंगा, मेथड फर्स्ट, मेथड टू, मेथड थर्ड। हम तीनों मेथड में से दो मेथड को हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो देखो मेथड फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया कि अगर फर्स्ट पार्ट पूछ दिया कि फर्स्ट पार्ट क्या होगा, तो देखो ए फर्स्ट पार्ट क्या है तुम्हारा, ए है डिवाइड, दोनों को सम कर लेंगे, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई जो हमारा क्वांटिटी है ओरिजिनल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड पार्ट वैसे है, सेकेंड पार्ट क्या है बी, तो बी डिवाइडेड बाई टोटल यानी कितना ए प्लस बी और जो हमारा क्वांटिटी है वो एक्स। ठीक है, अब जैसे देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन वही चीज कर रहा है कि अगर एक्स है वो डिवाइड हो रहा है ए इज टू बी इज टू सी में, तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्या होगा। ठीक है, देखो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या, फर्स्ट पार्ट क्या है ए डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी क्या होगी ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ये जो ओरिजिनल है क्या है वो एक्स। उसी तरह सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट ये देखो, सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वांटिटी क्या है बी डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स जो ओरिजिनल क्वांटिटी है। थर्ड पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, थर्ड क्वांटिटी क्या है सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स। इसका मतलब क्या है, देखो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो एक क्वेश्चन हमने ले लिया, देखो जैसे देखो हमने क्वेश्चन ये ले लिया, क्वेश्चन कह रहा है कि वन 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 फोर टाइम्स वन इन द रेशियो, इन द रेशियो एट इज टू थ्री में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इज डिवाइडेड, ठीक है, इन द रेशियो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन, इसके लिए सॉल्यूशन क्या हम करेंगे, देखो जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हमने कॉन्सेप्ट बताया कि फर्स्ट पार्ट का हम ये ले लेंगे एट डिवाइडेड बाई टोटल का सम एट प्लस थ्री मल्टीप्लाई कितना हो गया वन 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 वन। ठीक है, अब देखो तो 8 डिवाइडेड बाई 11 इंटू कितना हो गया 1111। ठीक है, सेकेंड पार्ट वैसे ही निकालना होगा, तो सेकेंड पार्ट कितना है 3 डिवाइडेड बाई टोटल 8 प्लस 3 11 इंटू 1111। ठीक है, तो इसको हम देखो ये कैंसिल हो जाएगा 101 यानी 101 में मल्टीप्लाई कर देंगे 101 मल्टीप्लाई 8 और इधर से 101 मल्टीप्लाई 3 यानी फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम मेथड ये तो हमारा रहा मेथड फर्स्ट, अब देखो मेथड सेकेंड हम किस तरह से भी लगा सकते हैं। मेथड सेकेंड मतलब क्या कि अगर फर्स्ट पार्ट कहा तो देखो फर्स्ट पार्ट 8 कितना है 8 डिवाइडेड बाई कितना टोटल दोनों का सम कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई जो ओरिजिनल क्वांटिटी है। ठीक है, सेकेंड पार्ट वैसे ही, सेकेंड पार्ट कितना है थर्ड टोटल का सम कितना हो गया 11 डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, मेथड थ्री हम मेथड फर्स्ट, इसको मेथड टू ही बोल लो क्योंकि मेथड फर्स्ट जो हम x मान के बना सकते हैं 8x, फर्स्ट क्वांटिटी को मान लिया 3x, तो 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 1111, तो एक पार्ट 11x इज इक्वल टू 1111,
तो एक्स यहाँ से निकाले तो 8x की वैल्यू क्या होगी, 3x की। ये मेथड मेथड थ्री जो है हमारा, जो है मेथड थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथड थ्री का मतलब क्या, देखो हमें 8:3 में डिवाइड करने को बोल रहा है, तो हम दोनों का सम लिख लेंगे तो कितना टोटल कितना हो गया 11 पार्ट। वो किसके इक्वल है, जो हमारा क्वांटिटी दी हुई है 1111, तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा 1111 डिवाइडेड बाई 11, यानी कितना हो गया 101। तो हमें चाहिए क्या, फर्स्ट पार्ट 8 पार्ट, तो 8 पार्ट इज इक्वल टू 8 × 101, और सेकेंड पार्ट 3 पार्ट चाहिए तो 3 × 101। तो ये हम अकॉर्डिंग टू मेथड वन और मेथड टू और मेथड थ्री हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे कैसे कैसे किस तरह से हमें करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कह दिया कि क्वेश्चन एक दिया होगी डिवाइड, ये क्वांटिटी दी हुई है उसको डिवाइड करना है, इन रेशियो में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट। मेथड वन हमने क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट क्या है 35 डिवाइडेड बाई कितना, टोटल का सम 35 प्लस 28 प्लस 20, ओवरऑल क्वांटिटी कितना 2324। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई देखो 8, और ये देखो ये कितना तुम्हारा हो जाएगा, देखो 8×5=33, यानी 83 मल्टीप्लाई 2324। अब ये देखो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो देखो ये देखो 83 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 28 टाइम्स में, 8×2=16। ठीक है, तो देखो अब देखो मैं 35 × 28, अब बहुत सारे लोग अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, देखो इसको स्प्लिट एंड मर्ज मेथड से हम कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 30 − 2 लिख सकते हैं। देखो 35 × 3 कितना हो गया, 5 × 15 = 9 = 10 − 35 × 70, यानी कितना हो गया तुम्हारा आंसर 980। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये मेरा मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता चुका हूँ, शॉर्टकट ट्रिक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। अगर आप मेरे को वीडियो को नहीं देखे हैं, फास्ट मैथ कैलकुलेशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेंगे कैसे किसी चीज को शॉर्टकट तरीके से देखा जाता है। वैसे ही मैथ सेकेंड पार्ट निकालना होता है, सेकेंड पार्ट तो क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई तुम्हारा हो जाएगा टोटल सम 83 × कितना 2324, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा 28 × 28 कितना हो जाएगा तुम्हारा 784। अब देखो मैंने स्क्वायरिंग, दो नंबर का स्क्वायरिंग कैसे करना ये भी बताया था कि फर्स्ट वाले को स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 6 क्या हो गया तुम्हारा कैरी 2 × 8 = 6 8 × 2 = 16 16 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर 32 6 कितना हो गया 8 38 कैरी 3 2 का स्क्वायर कर लो 4 4 3 7। तो ये भी मैंने फास्ट मैथ कैलकुलेशन मेथड में बता चुका हूं कि कैसे हमें करना है। तो अगर आप नहीं देखे हैं कि 2 नंबर का स्क्वायर कैसे कितना फास्ट करते हैं तो वो देख लेंगे। उसी तरह थर्ड पार्ट हम निकाल देंगे, थर्ड पार्ट हमें देखो थर्ड पार्ट कितना है 20 डिवाइडेड बाई कितना है, देखो टोटल सम कितना हो गया 83 × 2324। तो देखो ये कितना हो गया 28 यानी 28×2=56, ये तो तीनों पार्ट हमारा निकल गया। पार्ट वन की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 980, पार्ट टू की वैल्यू 784, पार्ट थ्री का। अब कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए मैंने ट्रिक्स बताया है, इसको हम मेथड टू और मेथड, जैसे देखो मेथड टू हमारा वही क्वेश्चन था कि टू, देखो क्वेश्चन वही है कि 2324 को डिवाइड करना है हमारा कितना 35 × 28 कितना में 20। तो हमने मेथड टू हमने क्या बताया था कि मेथड टू में हम तीनों कितना पार्ट हुए 83 पार्ट किसके इक्वल है 2324, तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा 2324 डिवाइडेड बाई 83 यानी कितना हो गया 28। तो देखो फर्स्ट पार्ट कितना हो गया 35 पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट कितना है 35 पार्ट किसके इक्वल हो 35 × 28, सेकेंड 28 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 28 पार्ट किसके इक्वल होगा 28 × 28, थर्ड पार्ट कितना होगा 20 पार्ट कितना होगा 20 × 28, क्योंकि 1 पार्ट हमने निकाल चुका है तो इससे कोई भी पार्ट पूछेगा तो हम आसानी से निकाल देंगे। तो आसानी से निकाल देंगे, अभी हमने 9C ये कितना होगा 784, ये कितना हो गया तुम्हारा 560। तो उसी क्वेश्चन को हम इस वे से कौन किस टाइप से क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी बात करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन एक हमने ले लिया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर का सम क्या है तुम्हारा 315, थ्री नंबर का सम है। ठीक है, तीन नंबर कोई है उसका सम क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दिया, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना दिया 2:3, सेकंड और थर्ड की रेशियो क्या दिया हुआ है
सेकेंड और थर्ड की रेशियो 4:5। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर इज इतना, इफ रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज इतना एंड रेशियो ऑफ सेकेंड इज टू थर्ड इज इतना, तो फाइंड द सेकेंड नंबर। हमें ये सेकेंड नंबर फाइंड करना है कि क्या होगा। देखो तो अब अभी मैंने बताया था कि 2:3 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 4:5। तो हमें फर्स्ट सेकेंड इज टू थर्ड नंबर हम निकाल सकते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 8, इसको क्या मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस यानी कितना हो गया 12, इस टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 15। देखो ये तुम्हारा हो गया रेशियो, हमारा फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड आ गया। हमें पूछ रहा है सेकेंड पार्ट, जो पार्ट पूछ रहा है उस पार्ट को हम निकालेंगे। मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट से हम इस तरह से निकाल देंगे सेकेंड पार्ट कितना है 12, 12 डिवाइडेड बाई टोटल का सम कितना हो गया 8 + 12 + 15 और कितना क्वांटिटी सम कितना दिया हुआ 315। तो ये तुम्हारा हमें जो पूछ रहा है उसी को हमने निकाला। फर्स्ट पूछता तो 8 डिवाइडेड बाई इतना ही 2 इतना, फिर थर्ड पूछता तो हमें पूछ कह रहा है सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट ही हमने निकाल दिया। यानी ये कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा हो जाएगा 45। देखो 12 डिवाइडेड 45 12 8 कितना हो गया 20, 20 10 35 डिवाइडेड बाई 315। ठीक है, दूसरा मेथड और ये कितना 9 टाइम्स चला गया, 12 नवा कितना हो गया 108। देखो मेथड टू हम जो करते, मेथड टू हम करते हमने इस रेशियो में ला दिया ये कितना टोटल पार्ट कितना है 35 पार्ट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 315 टोटल क्वांटिटी, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो गया 9। हमें सेकेंड कौन सा सेकेंड पार्ट कितना है हमारा सेकेंड पार्ट 12 पार्ट है, यानी 12 पार्ट यानी 12 × 9 कितना हो गया 108। तो अकॉर्डिंग टू अगर मेरे को यहाँ पे करना तो मैं मेथड टू लगाता, आप किसी भी से कर लो आंसर क्या आएगा सेम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस बहुत ही, ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा एस देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखो किस तरह से क्वेश्चन को हम डील करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ एज ऑफ अखिल एंड बिन्नी। देखो अखिल अखिल और बिन्नी की एज सम का दोनों कितना है 48, यानी ए प्लस बी कितना है 48। ठीक है, अखिल इज 4 ईयर ओल्डर देन चेतन। जैसे देखो अखिल को हम ए मान लेते हैं तो चेतन से कितना 4 ईयर बड़ा है, यहाँ पे चेतन होगा। ठीक है, चेतन से कितना यार 4 ईयर बड़ा, तो देखो यहाँ पे हम रख सकते हैं ए की वैल्यू। देखो ए की वैल्यू सी प्लस 4 + b इज इक्वल टू कितना हो गया 48, तो सी प्लस बी कितना हो जाएगा या बी प्लस सी इसी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 44, यानी कि बी प्लस सी कितना हो गया 44। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है कि रेशियो ऑफ बिन्नी टू चेतन, बिन्नी इज टू चेतन कितना दिया हुआ है 4:7। तो हमें पूछ रहा है कि अखिल की एज 5 ईयर पहले, 5 ईयर बैक क्या होगी। देखो तो हमें देखो ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। देखो यहां से देखो ये बी ये 44 दोनों का सम कितना है 44, 44 को किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है इस रेशियो में। तो देखो हम मेथड टू लगाते हैं, मेथड टू लगाने से हम देखो क्या होगा ये 11 पार्ट किसके इक्वल होगा 44, तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा 1 पार्ट हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 11 यानी कि कितना हो गया 4। अब देखो हमें चेतन एक कंडीशन दिया हुआ कि अखिल जो है अखिल चेतन से कितना है 4 साल बड़ा है। ठीक है, तो अब देखो चेतन की हम निकाल देते हैं, चेतन कितना पार्ट है 7 पार्ट यानी 7 × 4 कितना हो गया 28। ये तो तुम्हारी आ गई चेतन की एज, तो अखिल की एज क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट से। देखो अखिल की एज कितना हो जाएगी, चेतन की एज कितना है 28 + 4 ये तुम्हारा 32, ये तो 32 प्रेजेंट एज आ गई हमारी। अखिल की एज 5 ईयर पहले, 5 ईयर पहले क्या होगी 32 - 5 यानी कितना हो गया 27, ये तुम्हारी आंसर होगी। या यहाँ पे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे कि देखो अखिल की एज कितना हो गई चेतन से 4 ईयर बड़ी है यानी 28 + 4 और कितना ईयर बैक कर रहा है 5 ईयर पहले, तो यानी कितना हो गया 27। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो देखते रहें, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट्स करें। मैं ऐसे ही पार्ट टू में दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को बाई शॉर्टकट ट्रिक्स कर सकते हैं। देखो ये एसबीआई पीओ का क्वेश्चन कितना इजी पूछा हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें। Keep patience and do it easily. I will cover the whole part English math reasoning before the examination of SSC CGL. So that, thank you. Bye-bye.